नमस्कार, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार सेन आज फिर लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक आपके सामने। चैप्टर थर्ड टॉपिक है फयोल्स प्रिंसिपल थ्योरी। हेनरी फयोल की हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। हेनरी फयोल ने मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उन प्रिंसिपल्स की संख्या 14 है, 14 संख्या उनकी, और उन 14 प्रिंसिपल्स में से आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, ये दो ऐसे प्रिंसिपल है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपके सीबीएसई बोर्ड हो या आपके आरबीएसई बोर्ड हो। दोनों बोर्ड के अंदर अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हर साल हर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कभी इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन पूछ लेते हैं, कभी इनके अंदर किसी एक टॉपिक को पूछ लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड क्या है या व्हाट इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पिछले वीडियो में हमने यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बात की थी। मेरा इन दोनों को अलग अलग वीडियो में देने का उद्देश्य यही है ताकि आप दोनों इसमें कंफ्यूज न हो, एक दूसरे को एक दूसरे में जोड़े नहीं, ठीक है, क्योंकि यूनिट ऑफ कमांड एक डिफरेंट मैटर है, यूनिट ऑफ डायरेक्शन अलग है। तो चलिए हम पढ़ते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। देखिए यूनिट ऑफ डायरेक्शन जो है, ऑल ऑफ एक्टिविटीज दैट्स हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी डन बाय वन हेड वन प्लान। ये जो टॉपिक नंबर 5 हम ये जो टॉपिक है यूनिट ऑफ डायरेक्शन, इस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हेनरी फयोल ये कहना चाहते हैं कि वो सभी गतिविधियां, ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज दैट्स हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, जिनका उद्देश्य एक समान है, जिनका उद्देश्य समान है, या यूं कहें कि समान उद्देश्यों वाली क्रियाओं के लिए शुड बी डन बाय वन हेड वन प्लान। समान उद्देश्य वाली क्रियाओं के लिए एक व्यक्ति हेड होना चाहिए और उनके लिए वन प्लान होना चाहिए, वन हेड एंड वन प्लान फॉर सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। जिन क्रियाओं के उद्देश्य समान है उनके लिए वन हेड होना चाहिए और वन प्लान होना चाहिए। अगर वन हेड वन प्लान नहीं होगा तो उन एक्टिविटियों के अंदर भी डिफरेंशिएशन आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, उनके अंदर मतभेद उत्पन्न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जैसे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, सपोज आपके तीन सेक्शन है, साइंस में बच्चे पढ़ते हैं, आर्ट्स में पढ़ते हैं, कॉमर्स में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। आपके तीनों विंग चल रही है, साइंस भी चल रही है, आर्ट्स भी चल रही है और कॉमर्स भी चल रही है। तीनों विंग्स के अंदर हिंदी का जो पार्ट है, हिंदी जो पढ़ाई जाती है, चाहे साइंस में पढ़े या कॉमर्स में पढ़े या आर्ट्स में पढ़े, तीनों विंग्स के अंदर कॉमन है, वही चैप्टर है, ठीक है, वही रिजल्ट, मतलब वही पेपर आपके एग्जाम में आएगा और वही जो उनके मार्किंग वगैरह सब कुछ सेम होगा, चाहे साइंस का बच्चा पढ़े, चाहे आर्ट्स का बच्चा पढ़े या कॉमर्स का बच्चा पढ़े, तीनों के लिए हिंदी का जो पेपर बनेगा बोर्ड के अंदर वो सिमिलर बनेगा। यही कंडीशन इंग्लिश के साथ में भी है, ठीक है। अब वहां पर दो कंडीशन है, पहली कंडीशन कि साइंस के लिए अलग टीचर हिंदी का, कॉमर्स के लिए अलग टीचर हिंदी का और आर्ट्स के लिए अलग टीचर हिंदी का, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि तीनों विंग के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में जो हिंदी का जो सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, पूरी बुक सेम है, सारा मैटर एग्जाम में आने वाला सेम है, तो हम इन तीनों को एक जगह बिठा करके भी या किसी एक टीचर के द्वारा भी हम उनको गाइड करवा सकते हैं, उनको पढ़ाया जा सकता है। जब तीनों साइंस, कॉमर्स और तीनों विंग को एक ही टीचर पढ़ाएगा तो उनकी एक्टिविटीज में सिमिलरिटी होगी, उनको बताई जाने वाली बातें सिमिलर होगी, उनमें कंफ्यूज वाली कंडीशन जनरेटेड नहीं होगी। ये क्यों किया जाता है ऐसा, इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसके पीछे जो उद्देश्य है वो है सेंट्रलाइज एक्टिविटी, सेंट्रलाइज एफर्ट्स एंड कोऑर्डिनेशंस। एक तो आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं, हेनरी फयोल कह रहे हैं कि एक जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो एफर्ट्स सेंट्रलाइज होंगे, केंद्रीयकृत प्रयास होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, तालमेल बना रहेगा, ठीक है। जो भी गतिविधियां होंगी वो दोनों अलग अलग नहीं होगा, अगर अलग अलग टीचर रखेंगे तो क्या कंडीशन होगी, तीनों विंग्स में अलग अलग टॉपिक चलेगा, एक ही बात को तीन अलग टीचर अलग तरीके से पढ़ाएंगे तो वहां पर मतभेद होना छोटी सामान्य सी बात है। जबकि अगर तीनों विंग्स में अगर एक ही टीचर पढ़ाएगा तो मतभेद नहीं होगा, लेकिन अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे तो मतभेद होगा। तो
तो हम आज हम जो हमारा टॉपिक है यूरो डायरेक्शन में वो हमने पढ़ा ऑल ऑफ एक्टिविटीज दैट्स हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी डन बाय वन हेड वन प्लांट और इसका ऑब्जेक्ट है सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइज एफर्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन इन एफर्ट्स। हमारे जो एफर्ट्स है एक तो सेंट्रलाइज होंगे और दूसरे कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कई बार ये जो टॉपिक है वो आपके सीधे डायरेक्ट न देकर के आपके डिफरेंशिएशन में पूछ ले जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट ऑफ कमांड एंड यूनिट ऑफ डायरेक्शन। डिफरेंस में नहीं पूछे तब भी इतना कॉन्फिडेंस है कि बच्चों से पूछा जाता है यूनिटी ऑफ कमांड और लिख के आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और पूछे जाते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और बच्चे लिख के आते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है निर्देश की एकता। और यूनिटी ऑफ कमांड की मतलब है आदेश की एकता। बच्चों कंफ्यूज यहां होता है कि हम निर्देश की एकता को आदेश की एकता मान बैठते हैं और आदेश की एकता को निर्देश की एकता मान बैठते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड है ना वो तो लगभग सिंपल सा है, इसमें हमें दिक्कत नहीं आती और हम अक्सर इसी को इसमें इंक्लूड कर देते हैं। आदेश की एकता को भी निर्देश की एकता में इंक्लूड कर देते हैं। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़े, हमें पढ़ना दोबारा एक बार समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति के ऊपर वन बॉस होना चाहिए, मस्ट हैव वन बॉस। एक वर्कर है, एक व्यक्ति, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि ये दो वर्क एक वर्कर है, ठीक है, और इस एक वर्कर के ऊपर दो बॉस है। एक टाइम पे दोनों बॉस ऑर्डर देते हैं, यह वर्कर जो है ये सबॉर्डिनेट जो है ये कंफ्यूज में है कि मैं ए की बात मानूं या मैं बी की बात मानूं। अगर ए की बात मानी तो बी नाराज और बी की बात मानी तो ए नाराज। ऐसी कंडीशन में कहा गया कि मस्ट हैव वन बॉस, कि एक फर्म के अंदर एक समय पर एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है, एक व्यक्ति के ऊपर वन टाइम में वन बॉस होना चाहिए। और ऐसा होता है कि जहां पर भी दो या दो से ज्यादा बॉस अगर सबॉर्डिनेट्स के पास में है तो उन दोनों की काम करने के तरीके अलग होते हैं, उन दोनों के आइडियाज व्यूज अलग होते, ठीक है। आप छोड़ो उनको, अभी देख लो हमारे पॉलिटिकल में, देख लो पॉलिटिक्स में, देख लो राजस्थान गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट में दो हेड डिप्टी सीएम और सीएम, अक्सर कई बातों पे दोनों के अंदर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो ये दोनों बॉस है, ये हम पब्लिक है, ठीक है। तो यहां तो खैर वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, लेकिन बात कर रहे हैं हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट में दो हेड नहीं होने चाहिए, वन हेड होना चाहिए ताकि दोनों में मतभेद उत्पन्न नहीं हो, इसलिए कहा गया मस्ट हैव वन बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं तो यूनिटी ऑफ द कमांड है फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करता है, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट्स रिलेट्स टू द फंक्शनिंग एंड रिलेशन ऑफ द पीपल्स, जहां ये लोगों से संबंधित बात करता है वहीं ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी बात करता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है कि बॉस शुड बी वन, दिस इज राइट वे, सही तरीका यह है कि एक व्यक्ति है उसके पास दो सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, यस दिस इज लीडर एंड दिस दीज आर सबॉर्डिनेट्स। एक लीडर के पास दो सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं लेकिन दो लीडर्स के पास एक सबॉर्डिनेट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बात करता है ये फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ये जो बात करता है ये बात करता है फंक्शनिंग एंड रिलेशन ऑफ द पीपल्स, ये लोगों के बारे में बात करते हैं कि जो काम करवाया जा रहा है उसमें समान एक्टिविटी जो है, सिमिलर जो एक्टिविटीज हैं उनको एक ही व्यक्ति हैंडल करे। तो आई थिंक दैट्स यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो हेनरी फेयोल कहना चाह रहे हैं इस प्रिंसिपल के अंदर वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें पॉइंट नंबर 6, सबॉर्डिनेशन। हमारा 6 नंबर का पॉइंट जो है वो है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बच्चों यहां पर दो चीजों की बात कर रहे हैं हम कि एक तो है
इंडिविजुअल इंटरेस्ट और दूसरा है जनरल इंटरेस्ट. सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट का मतलब होता है हित. इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? हित. और देखो कई बार फर्म के अंदर क्या होता है कि हितों में आपसी टकराव होता है. ठीक है, ये जो हित है ये कौन सा है? इंडिविजुअल हित है, मेरा व्यक्तिगत हित है, जिस उद्देश्य के लिए मैं संस्था में जुड़ा हूं, जिस उद्देश्य के लिए मैं संस्था में आया हूं, वो तो मेरा जनरल इंटरेस्ट है. ठीक है, मतलब एक कर्मचारी संस्था में अगर लगता है तो वह खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए लगता है. मैं किसी विद्यालय में पढ़ा रहा हूं या किसी संस्था में काम कर रहा हूं या कहीं पर भी मैं वर्क कर रहा हूं तो मेरा खुद का इंटरेस्ट लेकर मैं उसमें एंट्री हुआ. जनरल इंटरेस्ट सब व्यक्तियों का अलग अलग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा उद्देश्य है एक बड़ा पैसा कमाना, मेरा उद्देश्य है लोगों को मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो जानकारी है वो लोगों को पहुंचाना. मेरा इंटरेस्ट है कि यार फालतू टाइम है उसे कुछ यूटिलाइजेशन किया जाए. ठीक है, तो हर व्यक्ति का जनरल इंटरेस्ट अलग अलग होता है. लेकिन बात करते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात, सॉरी, जनरल इंटरेस्ट जो है वो फर्म का इंटरेस्ट होगा और इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का होगा. अब जनरल इंटरेस्ट की बात करें तो जनरल इंटरेस्ट जो है वो पूरी फर्म का इंटरेस्ट होगा, जिसके लिए फर्म की स्थापना हुई है, जिसके लिए फर्म काम करती है, जिसके लिए कोई व्यवसाय बना है, जो फर्म जिस उद्देश्य के लिए काम कर रही है उसको हम बोलेंगे जनरल इंटरेस्ट, और जिस उद्देश्य के लिए एक कर्मचारी की संस्था में जुड़ता है उसे बोलेंगे इंडिविजुअल इंटरेस्ट. अब यहां पर दो इंटरेस्ट हो गए और जहां पर दो इंटरेस्ट होता है तो कई बार उनके अंदर मतभेद कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो जब कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन आती है तो हम उसमें क्या करना चाहिए, कौन से इंटरेस्ट को वरीयता देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. तो जनरल इंटरेस्ट इज सुपीरियर. जनरल इंटरेस्ट इज सुपीरियर. हमें जो इंपॉर्टेंस देनी है वो किसको देनी है? जनरल इंटरेस्ट को. टू द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तुलना में हमें जनरल इंटरेस्ट को महत्वता देनी है, हमें उसको सुपीरियरिटी देनी है. क्यों देनी है, क्या रीजन है? क्योंकि जनरल इंटरेस्ट में इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, समाहित होता है. अगर संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है तो नो डाउट हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो सकती है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की प्राप्ति भी हो सकती है. लेकिन अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट की प्राप्ति हो तो ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कि हमारा जो जनरल इंटरेस्ट है, संस्था के जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो जाए. क्योंकि यहां पर स्वार्थ छिपा हो सकता है लेकिन यहां पर संस्था का भला छिपा हुआ है. इन द कॉन्फ्लिक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रिवेल. अगर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है तो कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में जो संस्था का जो इंटरेस्ट है, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रिवेल, उसी को महत्वता दी जाएगी, उसी को सुपीरियरिटी दी जाएगी. तो ये हमने बात की पॉइंट नंबर सिक्स. पॉइंट नंबर सेवन की बात करें तो सेवन नंबर है रेमुनरेशन. रेमुनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक. और बच्चों पारिश्रमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि लगभग 90% जो संस्था में जो लोग काम करते हैं तो वो इसी के लिए करते हैं, रेमुनरेशन के लिए करते हैं. हो सकता है 10% कोई अलग उद्देश्य के लिए काम कर रहा हो, कोई सीखने के लिए कर रहा हो, कोई अपनी नॉलेज को लोगों को देने के लिए कर रहा हो, कोई अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कर रहा हो, बट 90% लोग रेमुनरेशन के लिए काम करते हैं. पारिश्रमिक, पारिश्रमिक वो पावर है, वो शक्ति है जो व्यक्ति को काम करने के लिए मोटिवेट करती है. ठीक है, और बात करें कि रेमुनरेशन की तो हेनरी फेयर कहता है कि रेमुनरेशन शुड बी फेयर एंड शुड बी सैटिस्फैक्टरी. रेमुनरेशन एक तो फेयर होना चाहिए. फेयर का मतलब क्या है? सैटिस्फैक्टरी का मतलब क्या है? फेयर का मतलब है कम से कम इतना वेतन, एक तो वेतन दे, वेतन में किसी प्रकार का अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए. मतलब अप डाउन मतलब दूसरे को अप मिल रहा है, हमें डाउन मिल रहा है. हमारे बराबर योग्यता वाला व्यक्ति है, हमारे बराबर काम कर रहा है और बिल्कुल दोनों में इक्वलिटी है, लेकिन फिर भी भेदभाव हो रहा है, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए. समान काम करने वाले समान व्यक्तियों को समान वेतन मिलना चाहिए. तो दैट शुड बी फेयर एंड सैटिस्फैक्टरी. इतना तो मिले कि कम से कम हमारी जो नीड्स है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हो जाए. अक्सर
बड़े देशों में या जहां पर हम ऐसे कहें कि अमेरिका है, जापान है, वहां की रेशो, वहां के रेमुनरेशन में और इंडिया के रेमुनरेशन में रात दिन का अंतर है। जापान की थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा आपके मोटिवेशन, उसमें जापान की जो थ्योरी है वहां पर इसमें बहुत अच्छा फोकस किया जाता है। वहां पर सेटिस्फैक्ट्री, वहां पर कोशिश की जाती है कि एक जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको उसकी योग्यता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। हमारे इंडिया में तो शोषण ज्यादा होता है बजाय काम के। हमारे इंडिया में तो थ्योरी अलग है रेमुनरेशन को लेकर के। हमारे यहाँ पर तो गन्ने की मशीन में जैसे गन्ने को लगाया जाता है वैसे कर्मचारी को लगाया जाता है कि बस निचोड़ दो इसको, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री का मतलब यही कि जो कर्मचारी आपकी संस्था में पूरे दिन रात लगा हुआ है, पूरी मेहनत कर रहा है, आपके लिए अपने पूरे घर परिवार को छोड़ के बैठा, तो उसको भी सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि यस मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही जगह कर रहा हूँ और मुझे मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। ठीक है, आगे है सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन एक व्यवस्था है। ठीक है, जो दो तरह की व्यवस्था होती है, एक होती है सेंट्रलाइजेशन, दूसरी इसके जस्ट अपोजिट होती है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है तो सुनो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब अधिकार, काम करने के अधिकार, निर्णय लेने के अधिकार, जब पावर, जो शक्तियां जो है वो सेंटर में, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में होती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब वही शक्तियों को हम क्या करते हैं, आगे फैला देते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देते हैं, तो वो कहलाती है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटे जो कंपनियां होती है, छोटी जो संस्थाएं होती है जिनका आकार स्मॉल है, वहां पर सेंट्रलाइजेशन काम करता है। जो बड़ी संस्थाएं हैं जिनके वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर लोग काम करते हैं, बड़ी संख्या में लेबर लगी हुई, बड़ी संख्या में सबॉर्डिनेट्स हैं, जिनकी कई ब्रांचेज हैं, तो जिनका आकार बड़ा है, उन संस्थाओं में डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था अपनाई जाती है। बच्चों, न तो सेंट्रलाइजेशन अच्छा है न डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है, कुछ कमियां इसके अंदर भी है, कुछ कमियां उसमें भी। अगर बड़ी संस्था में सेंट्रलाइजेशन अपनाएंगे तो भी बेकार है, और छोटी संस्था में डिसेंट्रलाइजेशन अपनाएंगे तो भी बेकार है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। जहां दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो संस्था सबसे बेटर होगी। क्लियर? आगे हम बात करेंगे नाइन्थ टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है नाइन्थ, जो हमारा टॉपिक है, इस नाइन्थ टॉपिक में हमारा दे रखा है स्केलर चेन। बच्चों, हम स्केलर चेन के बारे में बात करें, स्केलर चेन किसे कहते हैं? स्केलर चेन मतलब होता है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला क्या होती है? तो सोपान श्रृंखला का मतलब है पद अधिकारियों के बीच की कड़ी। जो भी पद अधिकारी संस्था में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी जूनियर और सीनियर्स हैं, जो भी सबॉर्डिनेट्स एंड बॉस हैं, उनके बीच में एक श्रृंखला। इट्स अ पार्ट ऑफ हायरार्की सिस्टम। हायरार्की सिस्टम है, उस हायरार्की सिस्टम का पार्ट है स्केलर चेन। हायरार्की सिस्टम क्या होता है? तो हायरार्की सिस्टम का मतलब है कि जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको एक सीधी रेखा पद्धति के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि कौन व्यक्ति तो बॉस है, कौन व्यक्ति तो सीनियर है और कौन व्यक्ति जूनियर है। इससे यह कॉन्फ्लिक्ट दूर होता है कि हमें किससे तो अधिकार प्राप्त होंगे, हमें किससे तो अधिकार प्राप्त होंगे और किसको हम ऑर्डर दे सकते हैं, किसको हम आदेश दे सकते हैं। तो यह कॉन्फ्लिक्ट दूर करती है हमारी स्केलर चेन सोपान श्रृंखला, जो कि समस्त पद अधिकारियों को एक लाइन सिस्टम के माध्यम से, एक लाइन सेगमेंट के माध्यम से जोड़ती है। देयर मस्ट बी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी राइट्स फ्रॉम टॉप टू लो मैनेजमेंट। टॉप लेवल से लेकर के लो लेवल तक का जो मैनेजमेंट है, या उच्च अधिकारियों से लेकर के प्रथम श्रेणी तक के जो अधिकारी है, या पर्यवेक्षी श्रेणी तक के जो अधिकारी है, या निम्न श्रेणी तक का जो मैनेजमेंट है, वहां तक के जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, उन सबको एक लाइन सिस्टम में बांधना ही क्या कहलाएगा? सोपान श्रृंखला। ये एक डायग्राम छोटा सा हेनरी फ्योल ने प्रेजेंट किया है। इस लाइन के माध्यम से हेनरी फ्योल, इस डायग्राम के द्वारा हेनरी फ्योल ये कहना चाह रहा है, देखो कि ए है, ये उच्च अधिकारी है, इसके पास में दो डिपार्टमेंट है, एक परचेस डिपार्टमेंट मान सकते हैं, एक सेल्स डिपार्टमेंट मान सकते हैं, या एक परचेस डिपार्टमेंट हो गया, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, कोई से भी दो डिपार्टमेंट्स हैं। ये परचेस डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं, ये सेल्स डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं।
क्लियर। इसमें ये कहा गया है कि ए सुपीरियर है और बी सबॉर्डिनेट्स है, बी बॉस है सी का और सी बॉस है बी का, ठीक है। अब ई जो है, ई का बॉस ए है, ई अपने, ई अपना जो ऑर्डर है, ई जो ऑर्डर दे सकता है वो एफ को दे सकता है, और जी को जो अधिकार प्रदान करेगा वो एफ देगा, ठीक है। तो ये पूरी एक श्रृंखला है, ये पूरी ए के श्रृंखला है जिसमें ए बी से, बी सी से और सी डी से कनेक्टेड है। इसी प्रकार इधर कनेक्टेड है ए ई से, ई एफ से, एफ जी से कनेक्टेड है, ठीक है। इन सबको ये पता है कि कौन का किसका अधिकारी है और कौन किसका कर्मचारी, कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट से, कौन तो उच्च अधिकारी है और कौन कर्मचारी है या कौन किसके अधीन है, ठीक है। तो ये सोपान श्रृंखला पहली बात तो हमें ये इस बात को स्पष्ट करती है कि किससे अधिकार लेने हैं और किसको आदेश देना है। दूसरी चीज, हेनरी फ्यूल ने कहा कि इसका पालन सख्ती से होना चाहिए कि कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट का व्यक्ति जो समान स्तर का लेवल का व्यक्ति है उससे सीधे कनेक्ट ना हो। जब भी आदेश निर्देशों का पालन हो, जब भी आदेश निर्देश दिए जाएं, तो एक सीधी कड़ी के रूप में दिए जाना चाहिए कि बी अपनी प्रॉब्लम सी के सामने रखे, सी अपनी प्रॉब्लम बी के सामने रखे और बी अपनी बात ए को बताए। ऐसा नहीं कि बी ने सीधा उठकर के बी को बता दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सी का एफ से कोई काम है तो सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, ए ई को बोलेगा और ई एफ को बोलेगा। प्रोसेस ये होनी चाहिए, प्रोसेस इस तरह चलनी चाहिए। लेकिन हेनरी फ्यूल ने बाद में इसमें एक टॉपिक जोड़ा, उसका नाम दिया गैंग प्लैंक। ये गैंग प्लैंक क्या है, जिसको फेयर पुल के नाम से भी जाना जाता है, पदाधिकारियों के बीच संपर्क की कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। ये गैंग प्लैंक के माध्यम से फेयर ने बाद में छोटा सा टॉपिक इसमें एड किया कि अगर कोई कंडीशन इमरजेंसी की हो, अगर कोई अपवादजनक स्थिति पैदा हो जाए, अगर कोई आपातकालीन कंडीशन पैदा हो जाए, तो उस दशा में सी डायरेक्ट ऐप से भी कांटेक्ट कर सकता है, सीधे तौर पर ऐप से भी संपर्क जोड़ सकता है। क्योंकि जब तक सी बी को अपनी बात पहुंचाएगा, बी ए तक अपनी बात पहुंचाएगा, ए फिर ई को ऑर्डर देगा और ई जब तक एफ तक बात पहुंचाएगा, तब तक काफी विलंब हो चुका होगा। तो समय और परिस्थितियों को देखते हुए सी जो है आपातकालीन दशा में ऐप से भी संपर्क कर सकता है, लेकिन आपातकालीन या अपवादजनक कंडीशन हमेशा नहीं। तो इसे नाम दिया गया गैंग प्लैंक। यह समय की बचत करते हुए और उस आपातकाल से निपटने की दशा में ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज व्यवस्था पूरी यही चलेगी, सी अपनी बात बी को पहुंचाएगा, बी अपनी बात ए को पहुंचाएगा, ए ई को और ए एफ को। तो यह हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 10 सोपान श्रृंखला। टेंथ नंबर का जो हमारा प्रिंसिपल है उसका नाम है व्यवस्था। हेनरी फ्यूल ने 10वें नंबर के टॉपिक व्यवस्था, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर में यह कहना चाहा है कि हर संस्था में दो तरह के संसाधन होते हैं, हर संस्था में दो तरह के संसाधन होते हैं। संसाधन, संसाधनों का वर्गीकरण भी हमने दो तरह से किए थे, ठीक है। एक होता फिजिकल, जिसे हम कहते हैं भौतिक, और दूसरा होता है मानवीय। फिजिकल और भौतिक, फिजिकल और मानवीय जो संसाधन है, भौतिक और जो मानवीय संसाधन है, इन दोनों का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। हर संस्था में जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो। जैसे आपकी संस्था में, सपोज मैं अभी बात करता हूं एक स्कूल की बात, ठीक है। एक स्कूल में 10 टीचर हैं, उनके अलग अलग पीरियड बटे हुए हैं, कालांश बटे हुए हैं। किसी समय पर किसी टीचर का कोई पीरियड खाली आता है, ब्लैंक आता है, ठीक है। अक्सर स्कूलों में, बड़े स्कूलों में ऐसा होता है कि एक जो टीचर होता है उसको बीच में खाली पीरियड भी दिया जाता है। अब खाली पीरियड जो दिया हुआ है उसमें टीचर बैठा हुआ है, ठीक है, अपनी स्टडी कर रहा है, जो भी कर रहा है, उस
खाली पीरियड के टाइम में और जब टीचर के पास कोई काम नहीं है बैठा हुआ है, तो उसको बैठने के लिए पर्याप्त एक स्टाफ रूम या कोई ऐसी जगह निश्चित होनी चाहिए कि जहां पर हमें यह पता लगाया जा सके कि कब कौन से समय पर कौन सा टीचर खाली बैठा हुआ है। इससे क्या होगा, मान लो उस दिन अगर कोई दूसरा टीचर एब्सेंट है तो हम उस टीचर को उस स्थान से बुला सकते हैं और बुला करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। तो एक निश्चित स्थान हो गया तो हम उसको बुला सकते हैं। अब अगर मान लो निश्चित स्थान नहीं होगा तो टीचर दाएं बाएं घूमेगा और कहीं जाएगा, ठीक है, ये तो चलो टीचर की बात। एक विद्यालय में 10 बस लगी हुई है और 10 बस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बच्चों को लाने ले जाने के लिए काम करती है। 10 बसों के 10 जो ड्राइवर हैं, ठीक है, सुबह बच्चों को लेके आते हैं, दोपहर में बच्चों को घर पे छोड़ देते हैं। सुबह बच्चों को लेके आए, ड्राइवर फ्री हो गए। अब फ्री होने के बाद वो ड्राइवर क्या करेंगे, उनको पता है कि अब तो दोपहर में ही काम पड़ने वाला है, तो वो दाएं बाएं जिधर भी कोई थड़ी ठेले पे कहीं पर घूमने जाएंगे, कहीं पर और कहीं बैठेंगे, ठीक है, या टाइम पास कैसे करेंगे पूरा टाइम। अब ऐसी कंडीशन में अगर संस्था ने उनको बैठने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस बना रखा है, कोई स्थान बना रखा है जहां पर क्या रखा है, ड्राइवर साहब आप अपने सुबह की ड्यूटी करके आगे यहां पे बैठेंगे और जब तक छुट्टी नहीं हो तब तक आप यहीं रहेंगे, ठीक है। तो कंडीशन ऐसे कि अगर मान लो बीच में किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, मान लो किसी और कोई इमरजेंसी कंडीशन आ पड़ी, तो उस समय पर हमें ड्राइवर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत ड्राइवर रूम में गए, ड्राइवर किसी ड्राइवर को बुलाया और हम उस बच्चे को घर तक छुड़वा सकते हैं, तो व्यवस्था बनी रहेगी। ये तो था ह्यूमन बीइंग के साथ। अब देखिए भौतिक चीजों की बात करते हैं। हर संस्था में वस्तुओं के रखने की अगर निश्चित जगह है तो निश्चित जगह होने की दशा में जैसे अक्सर हम देखते हैं कि जो चाबियां होती है वो अक्सर चाबियां खो जाया करती है। अगर पर्टिकुलर प्लेस नहीं है चीजों को रखने का, चाबी रखने का पर्टिकुलर प्लेस हमने बना रखा है कि लॉक खोला चाबी यहां लगा दो, तो हमें फिर पता है कि चाबी कहां मिलेगी, लेकिन हमने लाके चाबी कभी कहीं पटक दी तो चाबी खो जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि हर चीज की एक ऑर्डर होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर आवश्यकता पड़ने पर ह्यूमन बींग्स हो, मानवीय संसाधन हो या भौतिक संसाधन, उनको हम प्राप्त कर सके। आगे है समता, इक्विटी। हेनरी फेयोल इक्विटी के माध्यम से यह समझाना चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो भेदभाव है ये बड़ी समस्या है, जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्लेस के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, किसी प्रकार का भेदभाव एम्प्लॉइज में नहीं होना चाहिए। एक फर्म के अंदर 2 वर्कर काम कर रहे हैं, एक बिहार से है एक राजस्थान से है, संस्था राजस्थान में है तो उसके साथ में ये नहीं होना चाहिए बिहारी है, नो बिहारी नहीं है, वो एक वर्कर है, वो एक एम्प्लॉई है वहां का, ठीक है। उसके साथ में जो राजस्थानी को वर्क मिल रहा है, जो काम मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, जो भी रेमुनरेशन मिल रहा है, वो सेम उसको मिलना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये हम बात कर रहे हैं। या किसी की तरह कई बार ऐसा होता है कि जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता है, गर्ल्स वही काम करे उसको कम पैसा मिलता है, जेंट्स वही काम कर रहा है, बॉयज वही काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ समानता का अधिकार लागू हो, सबके साथ समान बिहेव किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे है कार्यकाल टेन्योर। कार्यकाल का मतलब है जो भी एम्प्लॉई संस्था में काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर संस्था में काम कर रहे हैं, वहां कोशिश की जानी चाहिए कि एक लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे समय तक कर्मचारी टिक कर काम कर सके। अरे जापानी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको आगे अगले चैप्टर में, जेड थ्योरी, वहां पर तो ये कहा गया है कि जापान में तो वर्कर जो एक बार लग जाता है वो पूरी जीवन भर वही काम करता है। तो कोशिश करना चाहिए कि लॉन्ग टाइम तक एक व्यक्ति एक संस्था में टिक कर काम कर सके। जितना अधिक समय एक व्यक्ति एक संस्था में रुक कर काम करेगा उतना ज्यादा बेनिफिट उस संस्था को मिल पाएगा, क्योंकि जब समय आता है कर्मचारी संस्था को समझे और संस्था कर्मचारी को समझे और कर्मचारी वहां के एनवायरमेंट में घुलने मिलने लगता है, इतने दिनों में तो पता चलता है कि कर्मचारी का रिटायरमेंट हो गया, उसको भेज दिया जाता है, फिर नया कर्मचारी आता है, पता चलता है कि स्कूल में एक जो आपके साल होता है उस एक वर्ष के अंदर तो पता चले कि 3-3 टीचर एक सब्जेक्ट के हट गए, तो वहां पर ना तो बच्चे टीचर को समझ पा रहे हैं, नया टीचर आ रहा है, नया टीचर बच्चों को समझ पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन कंपनीज के अंदर, ऐसी कंडीशन फार्म के अंदर होती है। नया एम्प्लॉय जाता है, जब तक एनवायरमेंट में घुलता है, मिलता है, वातावरण समझता है, तब तक तो पता चलता है कि उसका डरमेंट हो जाता है, तो संस्था के लिए भी घातक है। तो टेन्योर
लॉन्ग टाइम होना चाहिए। पहल क्षमता इनिशिएटिव, पहल क्षमता का मतलब है अगर कोई कर्मचारी अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा आइडियाज अगर एक गुड आइडियाज आपके लिए लेके आता है तो उसका वेलकम करना चाहिए, उसके आइडियाज को प्रमोट करना चाहिए, उसकी सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार ये तो छोटा एम्प्लॉय छोटा कर्मचारी है, कई बार छोटा कर्मचारी छोटा व्यक्ति या छोटा जो जिसे हम तुच्छ मानते हैं वो तुच्छ मानने वाला जो कर्मचारी वो भी कई बार बहुत अच्छा आइडिया हमें देता है तो उसका वेलकम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छी बात कर रहा है अगर कोई व्यक्ति सही विचार अच्छा विचार हमारे सामने रख रहा है तो उसके विचार की कद्र करनी चाहिए ताकि उसके मन में और अच्छे न्यू आइडियाज जनरेट हो सके। और कोशिश करनी चाहिए कि वर्कर्स जो है क्योंकि हर व्यक्ति के माइंड में अलग तरीके की सोच होती है, ठीक है, तो उसके जो कर्मचारी जो काम करने की जो विचारधारा है वो डेवलप्ड होती है, उनके नए विचारों को महत्व देना चाहिए, यही पहल क्षमता इनिशिएटिव कहलाती है। आगे है सहयोग, एस्पायरिंग कॉप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सहयोग। आगे हम सेकेंड जो स्कॉलर पढ़ेंगे फेयर के बाद में टेलर ने भी इस पे फोकस किया है क्योंकि अक्सर संस्थानें देखो कहते हैं ना कि लोकोक्ति है कि जहां पर भी दो बर्तन होते हैं ना वहां भिड़ते जरूर है। संस्था में भी दो बर्तन कौन कौन से हैं? दो बर्तन है, एक तो है मैनेजर और दूसरा है सबोर्डिनेट, एक तो है मैनेजर दूसरा है सबोर्डिनेट, और अक्सर इन दोनों के बीच में विरोधाभास पाया जाता है। मैनेजर जहां अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं वहीं कर्मचारी भी अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं। मैनेजर अपने आप को ये फील ये प्राउड करता है कि मैं ज्यादा समझदार व्यक्ति हूं, ये दो कौड़ी का व्यक्ति है, जबकि ये व्यक्ति समझते हैं कि हम तो इस संस्था के पहिए, हमारे बिना संस्था का काम ही नहीं चलेगा। और बात भी सही है, अगर इन दोनों की विचारधाराओं में अंतर है तो संस्था कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए हेनरी फ्योर कहता है कि दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, दोनों को एक दूसरे का कॉपरेट करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मैनेजमेंट जो है मैनेजर जो है वो तो सबोर्डिनेट्स की सहायता करें, वो अपने आप को ये समझे कि मैं सबोर्डिनेट्स के लिए बना हूं, और सबोर्डिनेट्स जो है वो मैनेजमेंट की हेल्प करें, उन्हें यह मानना चाहिए कि मैं मेरे मैनेजमेंट के लिए बना हूं, ठीक है। तो दोनों तब एक दूसरे के लिए हेल्प करेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए सहयोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सहयोग की भावना डेवलप्ड होती है, और जब हम सहयोग की भावना से काम करेंगे तो मैनेजमेंट अच्छा बनता है। आपने सुना होगा साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहां पर साथी कौन है, एक सबोर्डिनेट से और दूसरा कौन है, मैनेजर है। तो ये हमने पढ़े हेनरी फेवर के 14 प्रिंसिपल्स जिनके माध्यम से हेनरी फेवर ने अपने विचारों को सबके सामने रखा, और ये जो 14 प्रिंसिपल्स है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और प्रबंधकीय दृष्टि से भी, मैनेजरियल विजन से, ठीक है बच्चों। फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक लेकर के एक नया टॉपिक, तब तक के लिए नमस्कार।